जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेडिजी और इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपसे हंता वायरस के बारे में। कोरोना वायरस के बाद ये दूसरा वायरस है जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है और इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। आखिरकार ये हंता वायरस है क्या? ठीक है, आप सभी ने भारतीय पद्धति में सुना होगा हंता, यानी कि जान लेने वाला देखा जाए तो। हालांकि इसका इंग्लिश जो वर्ड है वो अलग है, लेकिन उसका सेंस वही निकल रहा है, हंता। ठीक है, किसी की जान लेने वाला वायरस, हंता वायरस। ठीक है, ये किससे फैलता है? ये चूहों से फैलता है। चूहे किस और संक्रमणशील है या नहीं है इसके बारे में भी आपको बता दूं, ये मानव से मानव में नहीं फैल सकता है, केवल चूहों से ही ये डायरेक्टली फैलता है, है ना। तो चूहे एक दूसरे से इंटरेक्ट करके यदि ऐसा होता है तो ये फैलेगा, वरना ये फैलेगा नहीं, पहली बात। ठीक है, तो इससे उतना घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जितना कि आपका कोरोना वायरस से हो रहा है, क्योंकि मानव से मानव संक्रमण जो भी होता है वो बहुत भयंकर होता है और इसमें इतना नहीं है। दूसरी चीज़, इसकी जो चीन में अभी हाल ही में 23 मार्च को ही एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, वहाँ से ये स्टार्ट हो चुका है, चीन से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये नहीं फैलता है, और इसके जो सिम्टम्स हैं वो कितने दिनों में दिखाई देने लग जाते हैं? 7 से 8 दिनों में उसके सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। सिम्टम्स हैं क्या? उल्टी, बुखार, फेफड़ों में जैसे पानी भर जाना और सांस लेने में प्रॉब्लम, यानी कि इसके जो सिम्टम्स हैं लगभग कोरोना वायरस की तरह ही है। हालांकि फेफड़ों में पानी जैसी चीज़ें कोरोना वायरस के अंदर नहीं हैं। ठीक है, और सबसे पहले जो जनवरी 2019 में जो पेंटागोनिया में 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी, 9 लोगों में पाया गया था ये, है ना। और इससे अब तक कितने लोग संक्रमित हो चुके हैं? लगभग 60 से ज़्यादा लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं इस हंता वायरस से, है ना। ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इसका इलाज अभी तक कोई भी नहीं है। तो हंता वायरस से भी कहीं ना कहीं डरने की ज़रूरत है। यदि कोरोना वायरस से इतना डर है तो हंता वायरस से भी 10% डर जरूर है। तो अपने आसपास जो भी चूहे हैं उनके लिए दवाइयाँ तैयार कर लीजिए मारने के लिए उन्हें। देखिए, मारना वैसे गलत है, लेकिन इस समय वो वायरस चल रहा है तो वो ऑटोमेटिक फैल जाएगा, सभी घरों तक फैल जाएगा, तो उससे भी सावधानी बरतने की जरूरत है, वरना ये दोधारी जो मार है एक तरह से पूरी बर्बादी करने के लिए एक तरह से आई है, प्रकृति की मार है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और इस हंता वायरस के बारे में यदि और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखिए, मैं आपको पूरी और जानकारी, कोई भी छूटी हुई है, अभी तक इतनी जानकारी थी।